सीडीएस जनरल बिपिन रावत का आज दिल्ली में हुआ अंतिम संस्कार। ब्रह्म कुमारी संस्था के मुख्यालय में दिवंगत आत्माओं के लिए शांति सभा, हजारों लोगों ने किया योग। हेलीकॉप्टर दुर्घटना के शिकार हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य सैन्य अधिकारियों के पार्थिव शरीर का आज दिल्ली में अंतिम संस्कार हो गया। कल शाम सभी के पार्थिव शरीर तमिलनाडु से दिल्ली लाए गए। आज अंतिम विदाई के समय पूरा देश गमगीन है और ब्रह्म कुमारी संस्था में उनकी आत्म शांति के लिए हजारों लोगों ने गहन योग द्वारा शांति का सहयोग दिया है। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों को आज अंतिम विदाई दी गई। दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर में पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 तोपों की सलामी के साथ आज देश का परमवीर योद्धा पंचतत्व में विलीन हो गया। जनरल रावत को अंतिम विदाई देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बरार स्क्वायर पहुंचे। जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत की दोनों बेटियों ने, कृतिका और तारनी ने, अपने माता पिता को पूरे विधि विधान के साथ मुखाग्नि दी। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की बीके संगीता और बीके मेधा ने जनरल बिपिन रावत को सीडीएस हाउस में पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी और बरार स्क्वायर क्रीमेटोरियम में उनकी बेटियों से मुलाकात कर शहीदों को ब्रह्मा कुमारी परिवार की ओर से रूहानी सलामी दी। बिपिन रावत जी का ब्रह्म कुमारी संस्था से काफी स्नेह था। उनके पिताजी भी ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े हुए थे। इसका जिक्र स्वयं बिपिन रावत जी ने शांतिवन के विशाल डायमंड हॉल में किया था। मेरे पिताजी स्वर्गीय लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत आपकी संस्था से जुड़े हुए थे। वो सबसे पहले आपकी संस्था से आपके मुंबई केंद्र में जुड़े थे और उसके बाद नोएडा चले गए थे, नोएडा केंद्र से जुड़े रहे और माउंट आबू उनका आना जाना लगा रहता था। तो उनके जरिए मुझे आपकी संस्था के बारे में पूरी जानकारी है। आपकी संस्था के जो सदस्य हैं वो हमारी फौज में, हमारी सेना में लगातार आते रहते हैं और हमारे जवानों का भी इस तरह का मार्गदर्शन जो आप करते हैं वो करते आए हैं, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें।